Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love for वोटिंग कर सकते हो घर वाले यार को क्या करता है ये लड़का पहाड़ के ऊपर ही लेंगे लेता हुआ घूम भेलपुरी तैयार है हमारी कुकिंग की तैयारी ये अपनी मेसी मेसी गाड़ी नहीं राजस्थान का ही कुछ में खिचड़ी चलेगी ऐसा कुछ हो लाइफ पे बर्गर किंग में नेशनल काइट फेस्ट ये साबरमती गांधी एवरीबॉडी देखिए अभी हम हैं ऑन द वे टू उदयपुर ये देखो कितनी कितनी मिट्टी जड़ी पड़ी है पूरी गाड़ी का हाल है ऊपर नीचे से सेम ऐसा पूरा रण ऑफ कच्छ का नमक लगा हुआ है इस पे तो गाड़ी यार वॉश करवानी है अपने को और सोच रहा हूँ मैं इसको करवाऊँ राजस्थान में एंट्री लेने के बाद राइट नाउ आई एम एट समवेयर इन गुजरात आई डोंट नो वेयर आई एम 436 किलोमीटर दूर है अभी उदयपुर गाइस देखिए ये ट्रक पलटा पड़ा है यहाँ पे कोई तो रिवर आई है ये नाम कंफर्म नहीं है क्या है इसका जस्ट टैंक फुल कराया हमने 4,500 रुपए के आसपास का डीजल डाला है गुजरात के अहमदाबाद में है हम अभी है साबरमती गांधी आश्रम जा रहा हूँ मैं और एक अपना है बर्गर किंग रुकने का थोड़ा सा प्लान एक बढ़िया सा बर्गर खाने का प्लान है अभी देखिए मैं बर्गर किंग में यहाँ से एक मील ऑर्डर दिया है ये मेरा मील आ गया है एक्स्ट्रा चीज बर्गर पहले खाना पीना करते हैं उसके बाद निकलेंगे साबरमती गांधी आश्रम अगर ओपन रहा तो खाना पीना अपना हो गया है एंड राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू गो साबरमती गांधी आश्रम अगर ओपन रहता है तो क्योंकि टाइमिंग एग्जैक्टली 6 दिखा रखा है लेकिन 6 बजे तक ओपन भी रहता है या नहीं इस चीज का हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया है मिला इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो कि अहमदाबाद में अभी हो रहा है मैं यहाँ से गुजर रहा था मेरी थार वो खड़ी है और ये देखिए साबरमती रिवर का व्यू ये साबरमती गांधी आश्रम आश्रम में जाना सर ये देखिए पुलिस वालों ने आगे जाने नहीं दिया ये बोलते हैं यहाँ कोई वीआईपी आ रहा है तो वीआईपी के चक्कर में लोकल पब्लिक अंदर नहीं जा सकती ये बड़ी गलत बात लगी मुझे बहुत गलत बहुत दूर से आया था एंड सोचा था कि मैं पहले यहाँ 10 मिनट तो जाऊंगा कम से कम आगे यार जाने नहीं दे रहे हैं पुलिस वाले गाड़ी भी पार्क नहीं करने दी यार पता है मैंने रोड पे कहीं गाड़ी लगा के गया था अब आए हैं तो मैं 10-15 मिनट तो जाना बनता है लेकिन कोई वीआईपी आ रहा है उसके चक्कर में एंट्री क्लोज्ड जा नहीं सकते तो गाइज अभी कर ही क्या सकते हैं तो मैं भी निकलूंगा यहाँ से उदयपुर के लिए एक भाई मेरे को पीछे से चेस करता हुआ अभी आ रहा है जो अपना अभी कॉन्टेक्ट में आया था ही हैव सेम थार बट ही हैव 4x2 और उसके पास भी रूफ टॉप टेंट है तो शायद कुछ प्लान बन जाए अभी पीछे से आ रहा है एक बार मिलते हैं वो भाई पहुंच जाए एक बार तो यहाँ पे रुका था जस्ट चाय पीने के लिए इतने सारे भाई लोग मिले फोटो करवाई और अभी निकल रहा हूँ यहाँ से मैं आगे अपने उदयपुर के लिए तो ये है अभी हमारा आज का डिनर हल्का सा डिनर क्योंकि वैसे तो मॉर्निंग में खाना चाहिए परौंठा लेकिन मैं रात में खा रहा हूँ जस्ट बिकॉज की मेरे को ज्यादा मसाले खाने नहीं है मेरा जो दोस्त आने वाला है वो भी पीछे की तरफ से आ रहा है अरे ये फिर से कौन थार लेके आ गया भाई अपने पास में मिलिए 4x2 जीप भाई से क्या नाम भाई अपने चैनल का करमवीर नाम है चैनल का नाम 4x2 जीप लाइफ हाँ 4x2 जीप लाइफ खुद से इन्होंने टेंट बनाया है काफी अच्छी जीप है इनकी 4x2 है आगे आपको साथ और भी प्लांट्स दिखेंगे ये अपनी थार और ये भाई की थार इसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन है इनका टेंट होममेड टेंट है जो अभी ओपन होने जा रहा है और हम मैं भी कोई इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है वैसे सबसे सेफ साइड ये रहती है कि पंप पे कर लो भाई का सेटअप आपको कल दिन में दिखाएंगे अभी रात में मजा नहीं आएगा जो चीज का फील है वो आपको दिन में दिखाएंगे ये ब्लॉग को लंबा करेंगे मॉर्निंग वाले टाइम पे भी आपको दिखाएंगे हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी आज है डे नेक्स्ट और मैं अभी आराम से उठ चुका हूँ भाई भी उठ चुके हैं ये अपनी मेसी मेसी गाड़ी और ये देखो भाई की मेंटेन गाड़ी दोनों में बहुत डिफरेंस है कोई भी ट्रेवलर में देख रहा हूँ ना मैं सबकी यही देख रहा हूँ कि सबने कितना थार को मेंटेन करके रखा है और एक अपनी कंडीशन देखो कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है दोस्तों मतलब ये डिफरेंस है क्योंकि मेरे को जिस चीज की नीड रहती है मैं उसको उधर उधर फेंक देता हूँ यार तो इन चीजों को मेंटेन करके रखना चाहिए डेटा कॉपी कर रहा हूँ मैं एडिटिंग थोड़ा आगे चल के करेंगे भाई ने खुद इसको बनाया है लड़का इंजीनियर है पहली बात तो इंजीनियर बंदे ने अपना दिमाग लगाया और इस तरीके का सेटअप बनाया है काफी अच्छा है हार्ड शेल कह सकते हैं इसको मेरे को ये वाला पार्ट है ना जो ये वुडन का बनाया है इन्होंने ऐसा मैं बनाने की सोच रहा हूँ अगर ऐसा मैं प्रॉपरली यहाँ तक बना दूँ तो यार गाड़ी में ऑलमोस्ट सारा सामान पूरा मेंटेन होके आ जाएगा
और मैं क्या करता हूँ कि अभी देखो सीट एक लंबी डाल रखी है सीट को और दूसरी सीट अपनी खड़ी है, एक सीट गिराता हूँ, इस पे बैग वैग और ये सब आ जाते हैं। टेंट में कुछ दिक्कत है तो मैंने इसको पैक कर रखा है, तो मेरे को सोने के लिए जैसे कल रात मैं पहले अंदर सोने का सोच रहा था तो ये सारा सामान पीछे करता आगे करता और पीछे की सीट खाली हो जाती, उधर मेरे पैर हो जाता इधर मेरा सर हो जाता, तो मैं ऐसे सो चुका हूँ एक दिन, तो ये भी मेरा सही लगता है मुझे कभी कभी, लेकिन ये वाला सेटअप सही है, पूरा चीजों को मैनेज करके रखा जा सकता है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि ऐसी कोई जगह फाइंड आउट करेंगे जहाँ आराम से थोड़ा कुकिंग कर पाए हम और वहाँ बैठ के मैं आराम से एडिट भी कर लूंगा। राजस्थान के गांव बड़े सुंदर हैं और मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं आगे की कैंपिंग भाई और हम दोनों साथ करेंगे कुछ दिन, दो दो थार ऐसे गांव में कभी आई भी नहीं होगी, और थोड़ा गाड़ी से टच हो रहे हैं यहाँ के पेड़ पौधे से, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब गाड़ी पे आपने पीपीएफ ना करा रखा हो। ये कोई जगह फाइंड आउट की हमने, राजस्थान का ही कोई इलाका है लेकिन लगता नहीं है राजस्थान का एरिया, यहाँ के रोड खत्म हुई हमने गाड़ियां लगा दी, यही बैठ के थोड़ा सा कुछ खाएंगे बनाएंगे कुक करेंगे उसके बाद निकलेंगे। तो इस तरफ हमारी बन रही है चाय, तरफ भाई बना रहा है ब्रेकफास्ट में खिचड़ी चलेगी आज, खिचड़ी बनाई है भाई ने। राजस्थान कैंपिंग में बेस्ट जगह लगी मेरे को। Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love, one. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. रिवर साइड हम उतरे हैं, वो मेन रोड से हमने रिवर देखी फिर हमने उतारी और ये हमारी दोनों की गाड़ियां खड़ी है। सच है ना, अमेजिंग एक्सपीरियंस, सोच रहा था कि ऐसा कुछ हो लाइफ में। तो ये देखिए भैया दोनों ने बढ़िया से ऑफ रोड मारा, पानी के अंदर कुछ ड्रोन शॉट्स लिए, छोटी सी ये नदी आ रही है पानी से नहाएंगे, नदी के अंदर उतरने का प्लान था लेकिन नदी छोटी है यार, क्या करते हैं हम लोग, लेट्स सी। लड़का जा रहा है गाड़ी धोने के लिए, मेरे को गाड़ी धुलवानी है तो मैं उदयपुर के यहाँ थोड़ा ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, थोड़ा हेयर कट वगैरह भी लेना है तो इसलिए थोड़ा उदयपुर जाना जरूरी भी है, और जाएंगे तो थोड़ा उदयपुर भी एक्सप्लोर कर लेंगे, वैसे तो कर रखा है लेकिन आप लोगों को 100 डेज में भी दिखा देंगे। एकदम से गाड़ी का कट दिया मैं पीछे पीछे दिया, दैट इज कई बार होता है फॉलो करो बट थोड़ा गैप के साथ करना चाहिए। आज का लंच कह सकते हो क्योंकि ऑलमोस्ट 4 बजने को आ गए, इवनिंग स्नैक्स भी कह सकते हो, तो परोंठा देसी घी का स्पेशल बनवाया है। यहाँ पे गाड़ी अपनी वॉशिंग के लिए दे दी है, ये अंदर से बढ़िया से वैक्यूम होएगी, बढ़िया से इसको ऊपर उठ के ऊपर नीचे से पूरी डस्ट निकाली जाएगी इसकी अच्छे से। हम जोड़ के जा रहे हैं और हेयर कट लेने जा रहे हैं, गाड़ी चेंज सीट चेंज और अभी जा रहे हैं कोई अच्छा सा सैलून में हेयर कट एंड बियर्ड वगैरह थोड़ा सेट वेट कराइए एंड अभी निकलेंगे। इस गाड़ी देखो कितनी खूबसूरत बना दी यार, और ऊपर से भाइयों ने देखो मेहनत की है यार, सामान पूरा पीछे की साइड में जचा भी दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो गाड़ी क्लीन हो गई, अभी हम जा रहे हैं फतेह सागर लेक के लिए, एंड यार घर वाले डेली बोलते हैं कि बेटा डेली ट्रैवल कर रहे हो बाहर, एक कुकर ले लो ताकि कुछ अच्छा हेल्दी फूड बना पाओ तुम, तो मैं अभी कुकर भी बाय करूंगा इधर से, दोनों गाड़ियां लेके निकल रहे हैं तो पब्लिक अट्रैक्शन भी अच्छा मिल रहा है। दिस इज ब्यूटीफुल फतेह सागर झील जो इस तरफ देखने को मिल रही है, एंड नाइट के टाइम में इधर आओ, शाम के टाइम में काफी सुकून मिलता है यार, दिन के टाइम में बोटिंग भी कर सकते हो आप, घर पे आप कैमल सफारी भी कर सकते हो, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, ये देखिए और बहुत खूबसूरत लगती है ये झील। ये छोटी सी मार्केट जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ खाने के ऑप्शन है, ये कहता मेले में मेरे को मौका मिला नहीं मैं आज कराऊंगा, दोस्त करवा ले यार कॉपीराइट डलवा के माने का क्या, जल्दी बोल। गाड़ी चेंज करके देखी है भाई, भाई की गाड़ी में 4x2 है ये, बाकी इसका भी भाई मुकाबला कम नहीं है, बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हमने लाइट टेस्ट करनी थी क्योंकि भाई की जो लाइट है ना मैं ऐसी सेम लाइट लगवा रहा हूँ अपनी गाड़ी में। भाई देखिए हम कैसे कैसे रस्तों से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इधर कोई कैंपिंग के लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, बहुत ही कच्चे एंड इस तरीके के रस्ते है, क्या करता है ये लड़का। हम अभी कोई एक लोकेशन पे आए हैं काफी हाइट पे,
और ये देखो पहाड़ की ऊंचाइयों पे जा रहा है, रात के टाइम पे कुछ दिख नहीं रहा है और ये पंगे करता हुआ जा रहा है लड़का। और ये अपनी गाड़ियां खड़ी है, ये 4x2, ये 4x4, ये देखो नीचे रोड और वो कहां पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ही ले गया गाड़ी। तो आज का कैंप ऐसे ही कोई जगह पे लगाने का मूड बन रहा है। देखो थार की वाकई में पावर का यूज यही लड़का ले रहा है भाई, पंगे लेता हुआ घूम रहा है 4x2 लेके। अब पीछे लेके दिखाइए भाई जरा, गाड़ी कितनी अंडर पावर है पता तो लगे। चलेगी यार, जाएगी 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 जाएगी। बस बस आराम से आगे आ जाओ, तुम तो आगे आ जाओ आराम से। अपनी गाड़ी का टेंट ओपन हो चुका है एंड भाई भी अभी अपनी गाड़ी का टेंट ओपन करने वाले हैं। और ऊपर के नज़ारे देखो यार, मैं लाइट बंद करता हूँ, तारे देखो कितने शानदार दिख रहे हैं। सही वे फोन में तो सही से दिख भी नहीं रहे हैं। आज आराम से तारे गिने जाएंगे। ये भाई का सेटअप, ये इधर बैठ के आराम से कुकिंग की जाएगी। ये सबसे बड़ी है, भाई ने एक्स्ट्रा बैटरी डाल रखी है गाड़ी के अंदर। अगर इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो दोनों गाड़ियां इतनी ज्यादा क्लियर दिखती है ना। टेंट खोलने के लिए अलग सी मोटर लगाई हुई है आपको। ये सेटअप तो भाई कहीं देखने को नहीं मिलेगा। भाई ने गियर भी लगा रखा है इसमें। कौन सा गियर लगा हुआ है, पहला दूजा? और ये इसमें क्या एयर डालेगा तो ये प्रेशर से खुल जाएगा। एंड नीचे ये वाला सेटअप जो हम टायरों में हवा डालते हैं, ये वाले पंप से टाइट हो जाएगा। टाइम किसी नहीं लगता, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट हम रिलैक्स हो गए। बहुत बढ़िया है। एंड सबसे बढ़िया चीज यार ये देखो कि एयर पंप से ये चीजें मेंटेन की गई है। एंड भाई की पीछे की साइड में एक बैटरी भी लगाई गई है जिससे ये बाहर की लाइट्स को यूज किया जाता है। बनाया हल्दीराम स्पेशल, ये भेलपुरी टाइप बनाने की कोशिश की है। आई थिंक बहुत ही टेस्टी होगी। रात के टाइम में बढ़िया लाइट वाइट जला के। बहुत नींबू कहाँ से लाए, नींबू हमने खरीदा था पहले का। और भाई वो गाड़ी के टायर से अंदाजा लगा लो हम कैसी कैसी डस्ट से होते हुए आए हैं, क्योंकि रोड नहीं है पीछे साइड में, इसका काम चल रहा है कोई ऐसी जगह। ये देखिए शानदार भेलपुरी तैयार है। ये हमारी कुकिंग की तैयारी, हमारे शेफ साहब लगे पड़े हैं। रात के करीब 1 बज चुका है और सब्जी बन रही है। प्याज का तड़का दिया जा रहा है, मिर्ची, टमाटर, आलू, गाजर।